दिस इज मी भव्या एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन पिकअप ड्रीम्स। तो आज की वीडियो होने वाली है स्किन केयर पे, क्योंकि पूरी जो फेस्टिव सीरीज आ रही है जैसे कि दिवाली और करवा चौथ भी तो आएगी बीच में, तो फिर इस सब की सफाई में हमारे स्किन पे बारह बच जाते हैं, धूल मिट्टी और हम कुछ सीरियल पे पेंट हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो इन सब से हम स्किन की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, तो फिर हमारी स्किन और ज्यादा गंदी हो जाती है, डल हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो क्लींजिंग पार्ट हम घर पे ही कर लें। तो इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए किट जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी और कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है उसे अप्लाई करना। और हम इस वीडियो में देखेंगे उसके एप्लीकेशन भी मैं आपको बता दूंगी और उसका प्राइस, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ बताऊंगी। और एक खास बात बताऊं, वो प्रोडक्ट्स अंडर 100 हैं, तो आप लोग आराम से उसे खरीद सकते हो। और ऐसा भी नहीं एक बार खरीद लिया वन टाइम यूज है, नहीं, आप उसे 2-3 टाइम्स तो आराम से यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आपको करना है इस वीडियो को लाइक अगर इस सच में यूजफुल लगी हो तो, और शेयर भी कर सकते हो। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने इनके बड़े पैकेट्स भी मंगवा लिए हैं। आप चाहें तो आप छोटे से ट्राई करें जो कि अंडर 100 अवेलेबल है, आजकल मिलता ही क्या है अंडर 100 में। ओके, तो आप आराम से इसे ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला है फेस वॉश, इट्स नीम प्योरिफाइंग फेस वॉश। अनदर वन इज जो स्टेप 2 होगा हमारा वो है नीम स्क्रब, इट्स ऑल्सो फ्रॉम हिमालय। एंड थर्ड वाला है जो हमारे पास वो है प्योरीफाइंग नीम पैक, जो कि लास्ट स्टेप होगा जो एकदम से डीप क्लेंजिंग कर देगा आपकी स्किन की। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो इन तीनों, ओके, तो ये कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूट से पैकेजेस में आपको मिल जाएंगे। और ये वाला जो मैंने बड़ा मंगवा लिया क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इसने मेरी स्किन पे, मैंने बड़ा वाला पैकेट मंगवा लिया था। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे मैं आपको डीपली इनके बारे में बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप के क्या है, किस काम के लिए होते हैं और ये क्या कर देते हैं, और आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी बताऊँगी और एप्लीकेशन और इसका रेट सब कुछ बताऊंगी, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए स्टेप नंबर 1, दैट इज प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। That's how the packaging looks like. और इसे यूज करना बहुत आसान है, जैसे कि हम और फेस वॉशेस को यूज करते हैं वैसे ही हम इसे यूज करेंगे। तो क्लीन अप शुरू करने से पहले आप अपने बालों को सिक्योर कर लें अच्छे से, और यहाँ पे मैंने लिया है हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश और इससे अपने फेस को मैं वॉश करने वाली हूँ। एंड दैट्स हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। आई एम बैक। फेस को वॉश करने के बाद अब मैं अपने फेस को पैट ड्राई करने वाली हूँ, और ये मुझे पड़ा था अराउंड 65 रुपीज़ का। आप इसे यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस अ डे जैसे कि यूजुअली किसी भी फेस वॉश को यूज़ करते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, दैट इज सेकेंड स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्क्रबिंग, उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हिमालय प्योरीफाइंग नीम स्क्रब, दैट हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। एंड ये छोटे वाले पैक में भी अवेलेबल है जो कि अंडर 100 है। तो हमें इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है अपने फिंगर टिप्स पे और फिर उसे हल्के हाथों से फेस पे सर्कुलर मोशन में हमें स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, इससे एक्सफोलिएशन होगा, आपकी डर्ट हटेगी और आपकी स्किन क्लीन होगी। आपको 1 मिनट तक हल्के हाथों से धीरे धीरे अपने फेस को स्क्रब करना है, और जब आप उसे रिमूव करेंगे हल्के हाथों से ही आपको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए रिमूव करना होगा, जिससे कि जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो आपके फेस को और अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। मैंने अपने फोरहेड पे स्क्रब नहीं किया क्योंकि मुझे वहाँ उतनी नीड लगी नहीं। आप चाहें तो अपने फोरहेड पे भी स्क्रब कर सकते हैं, और हाँ, क्योंकि इसमें होता है नीम जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटी बैक्टीरियल होता है, जो आपकी स्किन को जो बैक्टीरिया होंगे उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। और एक और बात, अगर आपके कोई एक्टिव पिंपल है तो आप उस जगह पर ना लगाएं, ये आपके लिए इरिटेशन का कारण बन सकता है। ये मुझे पड़ा था अराउंड 75 रुपीज़ का, और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो वंस अ वीक। चलिए अब इसे वॉश करते हैं। सो फेस को वॉश करने के बाद हम अपने फेस को पैट ड्राई कर लेंगे, और उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर, दैट इज़ हिमालय प्योरीफाइंग नीम पैक। और पैक को लगाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको थोड़ी सी क्वांटिटी अपने फिंगर टिप्स पे लेनी है और इवन कोटिंग लगानी है अपने फेस पे। आपको अपने अंडर आई एरिया छोड़ देने हैं, जैसे कि लिप्स, ऐसी एरियाज आपको छोड़ देने हैं, और आपको पूरे फेस पे इवन कोटिंग अप्लाई करनी है। और हमें इसे रखना है 15-20 मिनट्स ड्राई होने के लिए। आप खुद ही सोचो यार, हमने
स्क्रब को और फेस वॉश को थोड़ी देर के लिए लगाया और रिमूव कर दिया, पर हमें इसे 15 to 20 minutes रखना है तो ये कितने अच्छे से वर्क करना चाहिए। तो गाइस इसीलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रेट मुझे अराउंड ये पड़ा था मुझे 75 rupees का, और आप इसे 15 दिन में एक बार आराम से यूज़ कर सकते हो। अब हम वेट करेंगे 15 to 20 minutes और फिर वॉश ऑफ करेंगे। ये हो गया है ड्राई, 15 to 20 minutes हो चुके हैं। अब हम इसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए वॉश करेंगे। तो मैंने कर लिया है यहाँ पे अपना फेस वॉश और फिर मैं टॉवल से पैर ड्राई कर लूँगी। यहाँ पे मेरे बेसिकली तीनों क्लेंजिंग स्टेप तो फिनिश होते हैं, पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप अभी बचा हुआ है जो कि है मॉइस्चराइजिंग। आप चाहे अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता हो आप वो यूज़ कर सकते हो, और ये मैं यहाँ पे मामा अर्थ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑयल फ्री है, और पैक के बाद इसे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर ऑल ओवर अपने फेस पे लगा रही हूँ, और मैंने वैसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र पे एक वीडियो बनाई है, आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एंड नाउ I'll show you the results. Guys, स्किन केयर में डीप क्लेंजिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपकी एक सेपरेट लेयर रहेगी आपके फेस पे, वो है गंदगी की, तो उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद आपका मेकअप और अच्छे से निकल के आता है और आपकी स्किन नेचुरली बहुत अच्छे से ग्लो करती है और बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो आप इतने सिंपल स्टेप्स को खुद से करना सीख गए हो तो आपको पार्लर जाने की तो कोई टेंशन है ही नहीं है। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैंने तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। मैं हर फेस्टिवल से पहले इसी को ट्राई करती हूँ। तो ऐसे ही और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उसके साइड वाला बेल आइकन भी आपको प्रेस करना होगा। उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियोस का, और आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक अगर आपको सच में ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।